नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 मई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या में जबरदस्त हुई बढ़ोतरी। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए तीसरे अपडेट तक 211 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 1987 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो गया में 7, वैशाली में 4, जहानाबाद में 50, बक्सर में 11, मधुबनी में 2, सुपौल में 2, पटना में 1, बांका में 1, पूर्णिया में 7, बेगूसराय में 8, वेस्ट चंपारण में 2, ईस्ट चंपारण में 11, खगड़िया में 1, मुंगेर में 3, गोपालगंज में 17, कटिहार में 19, लखीसराय में 9, शेखपुरा में 13, समस्तीपुर में 25, रोहतास में 18 मामले सामने आए हैं। बिहार में कोविड 19 से ठीक होने वालों की संख्या में हुआ इजाफा। बिहार में कोविड 19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं बीते दो दिनों के भीतर बिहार में अब तक 250 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। लेकिन इसी बीच बिहार से एक राहत भरी खबर सामने आई है। बीते दिन स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 558 मरीजों के ठीक होने की खबर सामने आई है। बीते दिन 5 मरीज आरा के मिले हैं, जिन्होंने कोविड 19 की परीक्षा को पास कर ली है, जिसकी जानकारी भोजपुर के डीएम ने दी है। वहीं पटना के भी क्वारंटाइन सेंटर में 8 मरीजों के ठीक होने की खबर सामने आई है। जहानाबाद में एक साथ मिले 50 कोविड 19 पॉजिटिव। बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से बीते दिन जारी किए गए तीसरे अपडेट के मुताबिक 87 नए मामले मिले थे, जिसमें जहानाबाद के एक साथ 50 कोविड 19 प्रभावित पाए गए हैं। वहीं साथ ही कुल मिलाकर 87 नए मामले सामने आए हैं। इस नए अपडेट के मुताबिक गया से 7, वैशाली से 4, पूर्णिया से 1, बक्सर जिले से 11, समस्तीपुर से 9 मामले सामने आए हैं। वहीं शेखपुरा से भी 5 नए मामले सामने आए हैं। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को दी सलाह। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने सभी अधिकारियों को सलाह देते हुए कहा है कि प्रखंड क्वारंटाइन केंद्रों पर प्रवासी मजदूरों की संख्या काफी बढ़ रही है, जिसके कारण केंद्रों की व्यवस्था को और ज्यादा सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन केंद्रों पर प्रतिनियुक्ति कर्मियों द्वारा नियमित ब्रीफिंग पर जोर देने की जरूरत है, इससे प्रखंड क्वारंटाइन केंद्रों पर पूरी व्यवस्था बनी रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे कहा कि बड़ी संख्या में लोग वापस आ रहे हैं, उन्हें रेलवे स्टेशन पर रिसीव कर प्रखंड केंद्रों तक पहुंचाया जाए, किसी को भी कोई असुविधा ना हो। रिजल्ट के मामले में टॉपर्स की फैक्ट्री माना जाता है बिहार का यह स्कूल। बिहार बोर्ड 2020 की 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट आज जारी होने की उम्मीद जताई गई है, जिसके साथ ही लोगों की नजर जमुई स्थित सिमुलतला आवासीय विद्यालय पर टिक गई है, क्योंकि कई सालों से टॉपर्स यहीं पे मिलते आए हैं। इस बार भी सबको यही उम्मीद है कि इस साल का टॉपर भी सिमुलतला से ही निकलेगा। हालांकि रिजल्ट जारी करने के बाद इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आखिर इस बार भी सिमुलतला स्कूल रिकॉर्ड कायम कर पाएगा या नहीं। आपको बताते चले, साल 2019 के 10वीं के रिजल्ट में टॉप 10 की सूची में शामिल 18 में से 16 विद्यार्थी सिमुलतला के ही थे। सिर्फ 2019 ही नहीं, 2018 में भी 10वीं के रिजल्ट में टॉप 10 में शामिल 23 विद्यार्थी में सर्वाधिक 16 सिमुलतला के थे। 1 जून में बिहार के इन स्टेशनों पर शुरू हो जाएगा ट्रेनों का परिचालन। 1 जून से ट्रेनों के परिचालन की प्रक्रिया को शुरू करवाने का आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 1 जून से 200 रेलगाड़ियों को पटरी पर चलाने का आदेश जारी किया है। इसी क्रम में बिहार में कुल मिलाकर 19 ट्रेन चलाई जाएंगी, जिसके तहत दानापुर से बेंगलुरु संघमित्रा एक्सप्रेस, अहमदाबाद से मुजफ्फरपुर स्पेशल एक्सप्रेस, रक्सौल आनंद विहार सत्याग्रह एक्सप्रेस, नई दिल्ली से राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति, मुजफ्फरपुर आनंद विहार सप्तक्रांति, अहमदाबाद पटना अजीमाबाद एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनल पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, नई दिल्ली राजगीर श्रमजीवी एक्सप्रेस, टाटानगर दानापुर एक्सप्रेस, दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस, अहमदाबाद से दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन 1 जून से पटरी पर नजर आएंगी। NIUS की DL.ED डिग्री लेने वाले अब रोजगार के लिए मान्य। नौकरी करते हुए जिन भी शिक्षकों ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग से DL.ED कोर्स किया था, अब वह रोजगार के लिए मान्य हो गए हैं। इससे पहले बिहार में NIUS से DL.ED करने वालों को लेकर कई तरह के वाद विवाद देखने को मिले थे, जहां पर इन्हें रोजगार मुहैया करवाने से मना कर दिया गया था। मगर अब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इस बाबत पटना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को स्वीकार करते हुए इस कोर्स की मान्यता प्रदान कर दी है। सड़क बनाने में अप्रवासी मजदूरों को दिया जाएगा काम। बंद की अवधि में दूसरे राज्य से वापस लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने में बिहार सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। इसी क्रम में बिहार सरकार ने प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया करवाने का जिम्मा लिया है, जिसका ऐलान पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने किया, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को मजदूरों के स्किल के आधार पर सूची बनाने का निर्देश जारी किया है। अब ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में मजदूरों की मदद ली जाएगी, क्योंकि हाईवे निर्माण में मजदूरों की उपयोगिता थोड़ी कम होगी, इसलिए सड़क के निर्माण में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। 25 मई से पटना में 10 जोड़ी विमान के परिचालन की हो सकती है शुरुआत। कोविड 19 के बढ़ते असर के बीच केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए विमानों के परिचालन की अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब 25 मई से देश में घरेलू हवाई सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी, जिसके बाद अगर सब कुछ सही चला तो पटना से 10 जोड़ी विमान उड़ान भर सकती है। विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा है कि 25 मई से घरेलू विमान सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए सभी एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियां उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। हालांकि अभी सिर्फ ग्रीन जोन के लिए विमान सेवा शुरू की जाएगी।
फूल की खेती करने वाले किसानों को मंदिर खुलने का है इंतजार। बंद के चौथे चरण में सरकार ने कुछ क्षेत्रों में छूट तो दी है, वहीं मंदिर सहित सभी धार्मिक स्थलों और किसी भी आयोजन को अभी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है, जिससे फूल की खेती करने वाले किसान काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि फूल की खेती करने वाले किसान मंदिरों में फूल बेचकर अपना गुजारा करते थे। हालांकि अब मंदिर मस्जिद बंद होने के बाद उनके फूल इसी तरीके से बर्बाद हो रहे हैं। खेत में तैयार फूल की मांग नहीं होने की वजह से गर्मी में यह सूख रहे हैं, जिसके बाद अब किसानों को मंदिर खुलने का बस इंतजार है। नियोजित शिक्षकों को सरकार ने दी अब नई राहत। जब से नियोजित शिक्षक अपनी मांग से उठे, तब से सरकार उन पर काफी ज्यादा मेहरबान नजर आ रही है। इसी क्रम में सरकार ने अब नियोजित शिक्षकों को एक और राहत भरी खबर सुनाई है। शिक्षा विभाग ने सड़कों पर उतरने के दौरान जिन भी शिक्षकों को काम से वापस निकाला था, अब उन्हें वापस लेने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत शिक्षा विभाग में आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि शिक्षा विभाग ने उन सभी शिक्षकों को अलग रखा है जिन्होंने नियमों के दायरे में मांग नहीं रखी थी, बल्कि तोड़फोड़ का हिस्सा बने थे। श्रमिकों के मुद्दे पर राजद और नीतीश सरकार आई आमने सामने। प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के मामले में राजद और बिहार सरकार एक बार फिर से एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिसके तहत राजद नेता शिवानंद तिवारी ने सवाल करते हुए कहा है कि कुछ भी कहे, सबको वापस नहीं ला जा सकता है। सरकारी दावों में दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है, जिसके जवाब में जदयू नेता जय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करने के अलावा विपक्ष के पास और कोई काम नहीं है। हालांकि कोविड 19 के इस माहौल में विपक्ष बस राजनीति कर सकती है। सरकार प्रवासियों को लाने की पूरी कोशिश कर रही है और वही उनके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की जा रही है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा ने शुरू की चुनावी तैयारी। कोविड 19 के इस माहौल में भाजपा ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार भाजपा कोर ग्रुप की बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में प्रवासी कामगारों के सकुशल घर वापसी और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बातचीत की गई है। वहीं जेपी नड्डा ने बिहार भाजपा के आला नेताओं को बूथ स्तर पर संगठनात्मक ढांचे को नए सिरे से जागरूक करने का टास्क दिया है। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा ने बूथ स्तर पर लंबित सप्तऋषि मंडल के मनोनयन की प्रक्रिया को 30 मई तक पूरी करने का निर्देश जारी किया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने की छात्रों के रेंट माफ करवाने की मांग। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बिहार सरकार से गुजारिश करते हुए पटना में रहकर किराए पर पढ़ने वाले छात्रों का रेंट माफ करवाने की मांग की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि कोविड 19 के इस माहौल में पटना में रहकर पढ़ने वाले छात्रों को सरकार अगर मदद करना चाहती है तो मकान मालिकों से उनका रेंट माफ करवाए, ताकि छात्र जो बंद में माता पिता की मजबूरी की वजह से मकानों का किराया नहीं चुका सकते हैं, उनका आसरा भी ना छिन जाए। बिहार में कोविड 19 से 10वें व्यक्ति की गई जान। कोविड 19 का कहर बिहार में लगातार जारी है। वहीं इसी बीच कोविड 19 से एक और व्यक्ति के जान जाने की बात सामने आई है, जिसके बाद राज्य में कोविड 19 की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 10 पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार जान गंवाने वाले व्यक्ति खगड़िया जिले का रहने वाला है और हाल ही में दिल्ली से लौटा था। हालांकि यह व्यक्ति पहले से ही कई सारी समस्याओं का इलाज भी करवा रहा था, जिसकी पुष्टि खगड़िया के डीएम आलोक रंजन घोष ने की है। खगड़िया जिलाधिकारी के मुताबिक इस व्यक्ति की जान 17 मई को गई है, जिसकी रिपोर्ट 19 मई यानी कि मंगलवार को पॉजिटिव पाई गई थी। प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलवाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जारी किया आदेश। प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए बिहार सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए किए गए बैठक के दौरान बिहार लौट रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए गठित स्पेशल टास्क फोर्स को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए बनाए गए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को अविलंब शुरू करवाने का निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने अधिकारियों से यह भी कहा है कि अगर टास्क फोर्स ने किसी तरह से संशोधन की आवश्यकता समझे तो फिर उन्हें शॉर्ट पॉलिसी या मिड टर्म पॉलिसी के संबंध में सुझाव दे सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और प्रवासी मजदूरों को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। किसानों के उन्मुक्त उत्पाद देखने के बिहार मॉडल को अब अपनाएगा पूरा देश, जिसकी जानकारी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी है और कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत किसानों को उन्मुक्त उत्पाद बेचने में बाधा बन रहे बाजार समिति नियम को संशोधित करने की अन्य राज्य में पहल हो रही है, जो कि 15 साल पहले ही राजद कांग्रेस के भारी विरोध के बावजूद निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद किसानों को बिचौलिए से मुक्ति मिल गई थी। बिहार में वह पहला राज्य है जिसके मॉडल को अब पूरा देश अपनाने जा रहा है। आने वाले दिनों में सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के साथ ही बाजार समिति प्रांगण में आधारभूत संरचना विकसित कर किसानों को ई प्लेटफॉर्म से जल्द ही जोड़ने वाली है। आज बिहार आएंगे 83 ट्रेन। बिहार में आज एक बार फिर से 1 लाख से ज्यादा प्रवासी की वापसी होगी। अलग अलग राज्यों में कुल 83 ट्रेन वापस बिहार पहुंचने वाली है, जिनमें 1 लाख से ज्यादा प्रवासी बिहार पहुंच रहे हैं। खबरों की माने तो आज लौटने वाले प्रवासियों में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के प्रवासी लौटने वाले हैं। वहीं आने वाले दिनों में 505 ट्रेन के जरिए प्रवासियों की वापसी सुनिश्चित की गई है। 22 मई को पहुंचने वाली ट्रेन की तादाद सबसे ज्यादा होगी। हालांकि सभी प्रवासियों के पहुंचने के बाद उनकी जाँच स्टेशन पर करवाई जाएगी, उसके बाद ही उन्हें उनके गृह जिले के लिए रवाना किया जाएगा।
सरकारी अस्पताल से ड्यूटी पर नहीं आने वाले डॉक्टरों को निकाला गया काम से बाहर। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में ड्यूटी से गायब रह रहे डॉक्टरों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए अब वैसे डॉक्टरों को चिन्हित कर काम से बाहर निकाल दिया है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को लगातार इस बात की जानकारी मिल रही थी कि सरकारी डॉक्टर अस्पताल में उपस्थित नहीं रह रहे। वहीं काम से निकाले गए सभी डॉक्टरों की सूची विभाग ने जारी कर दी है, जिसके तहत छपरा के डीएम की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है, जिसको ध्यान में रखते हुए सबको बाहर निकाल दिया गया है। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कसा तंज। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कोविड-19 के इस माहौल में नीतीश कुमार से बिहार के लोगों का भरोसा उठ गया है। नीतीश कुमार ने बिहार की जनता का भरोसा तोड़ दिया है। क्वारंटाइन में रह रहे लोगों को भोजन नहीं मिलने से लोग परेशान है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस काम को देखकर अब ऐसा लगता है कि भाजपा भी अब नीतीश कुमार के साथ चुनाव में नहीं उतरना चाहती है। हो सकता है कि भाजपा मुख्यमंत्री का चेहरा ही बदल दे। जदयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव की कविता का दिया जवाब। एक ओर जहां बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे, वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी जोर शोर से देखने को मिल रही है। कोविड-19 के बहाने इसे सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। वहीं बीते दिन इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के नीतीश सरकार पर एक कविता के माध्यम से तंज कसा था, जिसके तहत उन्होंने लिखा था कि बिहार में एक सरकार है जिसके शासन में अत्याचार है। जिसका जवाब देते हुए जदयू MLC नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में एक ऐसा राजकुमार है जो विपदा में फरार है, जिनका दामन दागदार है, जो सत्ता पाने को बेकरार है। IPL और भारत में क्रिकेट की वापसी पर BCCI ने जारी किया अपना बयान। IPL के आयोजन को लेकर साथ ही भारत में आने वाले समय में क्रिकेट के आयोजन को लेकर BCCI ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत BCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी ने कहा है कि गंभीर क्रिकेट गतिविधियां मॉनसून के बाद ही शुरू हो पाएंगे, लेकिन वह इस साल इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर आशावादी है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। कोविड-19 के इस माहौल में यह फैसला व्यक्तिगत खिलाड़ियों पर छोड़ देना चाहिए कि उनके लिए सबसे सही क्या है। हालांकि उन्होंने आगे यह भी कहा कि हम सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। भारत में मॉनसून जून से सितंबर तक रहता है, इस दौरान क्रिकेट के शुरू होने की संभावना जताई जा सकती है। वहीं IPL का आयोजन अक्टूबर नवंबर में किए जाने की उम्मीद जताई गई है। टिकटॉक के खिलाफ सामने आए परेश रावल। बीते कुछ दिनों से टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब का खेल देखने को मिल रहा है, जहां पर कई लोग टिकटॉक को बंद करने की मांग कर रहे हैं। वहीं हाल ही में टिकटॉक स्टार फैजल सिद्दीकी की आईडी को भी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद यह मामला पूरी तरीके से मीडिया में आ गया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर अभिनेता से नेता बने परेश रावल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने टिकटॉक को भारत में बंद करने की नसीहत दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कुछ दिनों से यूट्यूब द्वारा टिकटॉकर्स की वीडियोज और कुछ टिकटॉक का मजाक बनाने के बाद यह मामला संज्ञान में आया था। उसके बाद यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की जद्दोजहद जारी है। लॉकडाउन में बिहार में पुलिस ने लिए 18 करोड़ रुपए। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण जगह जगह पर बंद का ऐलान जारी किया गया था। वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो बंद के नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझ रहे थे और नियमों का मजाक बना रहे थे। वहीं पुलिस मुख्यालय ने ऐसे लोगों से लगभग 18 करोड़ रुपए वसूले हैं। वहीं 282 लोगों को बंद भी किया है, साथ ही 904 वाहनों को ले लिया गया है। आपको बता दें, कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण प्रशासन बार बार समझाने के बावजूद कुछ लोग नियमों का पालन करना जरूरी नहीं समझ रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है कृष्णा कुमार, शिवा कुमार, कुणाल कुमार, कोमल सिंह, बिट्टू कुमार, चांदनी कुमारी, मुस्कान सिंह, मौसमी कुमारी, प्रहलाद कुमार, धर्मेंद्र जोशी, विकास कुमार, सोनू कुमार, मोनू सिंह, लवली यादव, शिव कुमार दास। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार में कोविड-19 के इस माहौल में छात्रों के किरायेदारों से रेंट माफ करवाने की तेजस्वी यादव की मांग कितनी सही है कितनी नहीं, अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।